हेलो बच्चों, मैं हूँ अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानस्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम, जैसा कि आपको पता होगा कि हम पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट, तो आज हम पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में जो यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट में आज हम पढ़ेंगे शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण की अवधारणा तथा शिक्षण की विशेषता, शिक्षण के प्रकार, शिक्षा के प्रकार, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप उन वीडियोज़ को देखिएगा तो आपको दोबारा इनको पढ़ने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। ये तो मैं वादा करती हूँ आपसे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ आपको, किताब की लैंग्वेज यहाँ पे मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षण के उद्देश्य, ठीक है। शिक्षण के उद्देश्य में हम आज पढ़ेंगे किसका सिद्धांत पढ़ेंगे, मैं बताती हूँ। पहले मैं लिख लूँ, शिक्षण के उद्देश्य आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? शिक्षण के उद्देश्य, यूजीसी फर्स्ट पेपर की जो फर्स्ट यूनिट है, मैं लिख दूँ यूनिट फर्स्ट आज हम पढ़ रहे हैं। 3 दिन से फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं, तो आज थर्ड डे है हमारा। तो शिक्षण के उद्देश्य हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखिए, शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण जो किया गया है, शिक्षण के निर्देशात्मक शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है, उद्देश्यों का वर्गीकरण जो किया गया है उसमें हम देखते हैं कि दो सिद्धांत आते हैं, दो मॉडल आते हैं। ब्लूम द्वारा किया गया वर्गीकरण, ठीक है, ब्लूम द्वारा किया गया वर्गीकरण, ठीक है। और हम नीचे सेकेंड वाला क्या देखते हैं, गैगिन और ब्रिक्स द्वारा किया गया वर्गीकरण, गैगिन और ब्रिक्स द्वारा किया गया वर्गीकरण, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसको मैं एकदम साधारण सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाती हुई चलूंगी आपको। पहले हम ब्लूम को पढ़ते हैं, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दूँ, ठीक। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, तो ब्लूम और गैगिन। मैं आज ब्लूम पढ़ाऊंगी, कल गैगिन पढ़ाऊंगी, ब्रिक्स और गैगिन। तो आज मैं ब्लूम पढ़ाती हूँ आपको। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो ब्लूम ने वर्गीकरण किया उसके आधार पे, ब्लूम का मॉडल, ब्लूम का सिद्धांत हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं ब्लूम ने 1956 में, हम देखते हैं ब्लूम का जो सिद्धांत था वो 1956 का था। तो 1956 में उन्होंने प्रस्तावित किया था, दिया था। तो उन्होंने कहा था, शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्यों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। शिक्षण को अगर हम बात करते हैं तो इसके उद्देश्य को 3 श्रेणी, कितनी? 3 श्रेणी, 3 श्रेणी, 3 श्रेणी में विभक्त किया जा सकता है। क्या नाम है? हेड, हार्ट एंड हैंड, ठीक। हेड, हार्ट एंड हैंड, अगर इसको हम हिंदी में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक और मनोसंचालित, हैंड, ठीक। ज्ञानात्मक क्षेत्र, फिर हम देखते हैं भावात्मक, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, भावात्मक क्षेत्र, फिर हम देखते हैं यहाँ पे मनोसंचालित क्षेत्र। अगर उद्देश्य की बात करते हैं तो इन्हें क्या, इस थ्योरी को और क्या बोला जाता है? 3H थ्योरी भी बोला जाता है इसको, ठीक है, 3H थ्योरी भी बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं, यहाँ पे उन्होंने क्या है, ज्ञानात्मक क्षेत्र, यानी कि हेड का क्या यूज करवाया है, हेड, हार्ट एंड हैंड, यानी हेड से हार्ट में गई, हार्ट से हैंड में, कुछ सोचा, फिर आत्मा ने कहा इसको करना और हाथ ने कर दिया, ठीक। तो इस पर अगर हम बात करते हैं तो ज्ञान या मूल रूप से जानकारी की सामग्री होती है, कहाँ होती है? दिमाग में होती है, हेड में, ठीक। और क्या होता है? बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सब कुछ कहाँ होता है? दिमाग में होता है ना, हम सोचते हैं, ज्ञान होता है, मूल्यांकन करते हैं, सब कुछ कहाँ करते हैं? हेड में करते हैं, दिमाग में करते हैं सब कुछ, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भावात्मक, यहाँ पे जो हमारी हमें किसी भी चीज़ के रूप में जो भाव चाहिए होते हैं, ठीक, यानी कि इमोशंस हमारे, यहाँ पे हम क्या देखते हैं? भावात्मक क्षेत्र। तो हेड से हार्ट में गई चीज़ 3H थ्योरी है। यहाँ पे शिक्षण के उद्देश्य की बात करते हैं तो निर्देशात्मक यहाँ पे उद्देश्य प्रस्तुत किया गया है ब्लूम और गैगिन और ब्रिक्स के द्वारा। तो आज हम ब्लूम पढ़ रहे हैं। ब्लूम में हमने क्या देखा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 3H थ्योरी किसकी है? 3H थ्योरी ब्लूम की है। 3H में क्या है? हेड, हार्ट एंड हैंड। हेड के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया है? ज्ञानात्मक क्षेत्र, यानी कि सारा ज्ञान, मूल्यांकन, बोध वगैरह सब कुछ कहाँ होता है? दिमाग में होता है, यानी कि हेड
उसके बाद हमने हार्ट के लिए क्या है, भावात्मक इमोशंस वगैरह जो हमारे होते हैं वो हार्ट में होते हैं। फिर हम बात करते हैं मनोसंचालित, यानी कि हम किसी काम को करते कैसे हैं। हमने सोचा, फिर मेरी आत्मा ने कहा और फिर मेरे हाथ ने कर दिया, यानी कि इमोशंस आए, पहले सोचा फिर इमोशंस और उसके बाद हमने उस काम को कर दिया। तो यानी कि मनोसंचालित किसी भी काम को कर देना आराम से। तो आज हमने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ लिया ब्लूम का सिद्धांत। ठीक है, ब्लूम का सिद्धांत में हमने क्या देखा, यहाँ पे मैं गैगर और ब्रिक्स कर पढ़ाऊंगी। ब्लूम के सिद्धांत में हमने क्या देखा कि ब्लूम ने कहा कि श्रेणी कितनी है, तीन है। तीन श्रेणी में उन्होंने बांट दिया उद्देश्यों को, निर्देशात्मक उद्देश्यों को। पहला उन्होंने क्या बोला, आज के बाद आपको कभी ब्लूम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3H थ्योरी बोली उन्होंने, पहली बोली फर्स्ट पॉइंट 3H, 3H। फर्स्ट H में उन्होंने क्या बोला, हेड। सेकेंड H में उन्होंने बोला हार्ट। एंड थर्ड H में उन्होंने बोला हैंड। ठीक है, यानी चीज़ें, हमारा ज्ञान वगैरह सब कुछ कहाँ होता है, हेड में होता है। बोध करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उसके बाद हमारी एक अंतरात्मा होती है, यानी कि भाव होते हैं हमारे, जो इमोशंस आते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में उन्होंने क्या बोला, लास्ट में उन्होंने बोला हैंड, यानी कि जो भी काम हम करते हैं मनोसंचालित, यानी किसी भी चीज़ को करने के लिए हाथ की आवश्यकता नहीं। दिमाग खुद तो कर नहीं देगा या दिल तो कर नहीं देगा काम, काम को करने के लिए तो हाथ की ज़रूरत होगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे मेरी थ्योरी सब कुछ दिमाग में है, मेरे इमोशंस क्या है कि आपको काफ़ी अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए, लेकिन हैंड को यहाँ लिखना पड़ेगा ना, तभी तो आपको चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। ऐसे कैसे समझ में आएंगे, आप मेरा दिमाग तो पढ़ नहीं सकते कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ब्लूम का सिद्धांत पढ़ लिया। अब आगे हम आपको कल पढ़ेंगे गैगन और ब्रिक्स। ठीक है, तो आज हमने ब्लूम का सिद्धांत यहाँ पे एकदम क्लियर कर लिया। तो हमने फर्स्ट यूनिट में क्या क्या पढ़ा है, मैं उसका रिविजन करवा दूँ आप लोगों को। हमने पढ़ा है शिक्षा के प्रकार कितने, संकुचित व्यापक। हमने पढ़ा शिक्षण के प्रकार कितने, औपचारिक अनौपचारिक। फिर हमने टोटल 6 अवधारणाएं पढ़ी, फिर उसके बाद 8 विशेषताएं पढ़ी, और आज हमने पढ़ा यहाँ पे जो यहाँ पे उद्देश्य दिया गया है शिक्षण का, उसको निर्देशात्मक वर्गीकरण किया गया है ब्लूम और गैगन ब्रिक्स के द्वारा। तो हमने ब्लूम आज पढ़ लिया, कल के वीडियो में हम गैगन और ब्रिक्स पढ़ेंगे। तो इसी तरह कंटिन्यू आपकी छोटी छोटी वीडियो के जरिए आपकी ये यूनिट कंप्लीट करवा दी जाएगी। हिंदी मीडियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन वीडियोस को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं एक सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ। लैंग्वेज का तो कोई असर नहीं, आप जो लैंग्वेज बोल रहे हैं उसी लैंग्वेज में यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, और एकदम एग्जाम्पल आपके जैसे दुनियावी एग्जाम्पल हैं वही लेके मैं पढ़ा रही हूँ, तो चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। आज का वीडियो बस इतना ही, थैंक यू।